अच्छा जी, विभू अभी तक घर वापस नहीं आया है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। चाचा जी, मैंने कुछ पूछा आपसे। चिंता तो मुझे भी हो रही है ना। जिस तरह से आप ठूस ठूस कर खा रहे हैं ना चाचा जी, आप उस तरह से देख के लग नहीं रहा है कि आपको अपने भतीजे की जरा से भी चिंता है। मेरे खाने में मत जा तू। जब मुझे टेंशन होती है ना तो मुझे भूख और ज्यादा लगती है। इस तरह ठूस ठूस की चिंता करने वाला आदमी ना मैंने पहली बार देखा है। अब तू पहली बार देख या दूसरी बार देख, प्रॉब्लम है तो है प्रॉब्लम भाई। चाचा, थोड़ा बाहर जाइए, थोड़ा पता कीजिए, ढूंढिए, पता नहीं कहाँ लेकर गई होंगी वो औरतें मेरे फेबू को। अरे औरतें अपने अड्डे पे ले गई होंगी और क्या। अड्डे पे ले जाकर क्या कर रही होंगी? अब मुझे क्या पता क्या कर रही होंगी। अब अड्डे पे ले गई हैं तो कुछ ना कुछ तो कर रही होंगी। कहीं वो मेरे विभू को बर्बाद ना कर दे। बैठो बैठो। तुम ठीक तो हो ना विभू? शुक्र करो कि मैं जिंदा वापस आ गया ना। उन कमबख्त औरतों ने तो कोई कसर ना छोड़ी। भगवान, अच्छा क्या क्या किया उन औरतों ने? चाचा ये पूछिए कि क्या क्या नहीं किया। मतलब सब कुछ कर दिया क्या? क्या हुआ चाचा जी? नहीं नहीं वो क्या है कि उन औरतों ने इसके बदन से इसकी आबरू की उम्मीद को अलग कर दिया। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो। यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल। क्या हुआ तुम्हारे साथ, थोड़ा खुल के बताओ। क्या बताऊं खुल के? पहले तो उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतरवा दिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। वो चार औरतें थी और मैं अकेला। मुझे उठा के वो एक कमरे में ले गई। उसके बाद तेरी चीखों से वो कमरा गूंज उठा ना। ऐसे ही समझ लीजिए चाच। उसके बाद उन्होंने मुझे एक बर्फ की सिल्ली पे फेंक दिया। तो वहां से उठाया, एक गर्म पानी का टब में डाल दिया, जैसे मेरे को फर्मेंटेशन थेरेपी दे रही है। ओह गॉड, फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मेरी बॉडी पे ठंडी ठंडी कुल्फी मल दी। ओहो, रियली? फिर उसको उसके बाद मुझे एक अंधेरे कमरे में ले गए और तंदूरी चिकन की तरह टांग दिया। और अंधेरे में कोई मुझे तब तक चाटता रहा जब तक मेरे बदन की आखिरी कुल्फी की बूंद चट ना गई हो। ओह माय गॉड। सुन, तू तो पूरे मजे करके आ रहा है भाई, है? जी। हेलो तिवारी जी। अरे भाभी जी, आइए आइए। अनीता जी, हेलो, आइए ना। हेलो अंगूरी जी। वेलकम भाभी जी, वेलकम। अरे काहे का वेलकम तिवारी जी, वेलकम तो विभू का हुआ है। भभूति जी आ गए ना? हाँ आ गया है। दिया, भगवान का लाख लाख शुगर है। भगवान का शुगर काहे बढ़ा रही है, वो शुगर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। भभूति जी सही सलामत तो है ना? अरे कहाँ सही सलामत है अंगूरी जी, उन कमबख्त औरतों ने विभू को पकड़ के इतना टॉर्चर किया कि वो तो चलने की भी हालत में नहीं है अब। ऐसा क्या कर दिया? अरे हमारा मतलब है कि छेड़छाड़ करने की स्थिति में तो है ना? वही बताने आई हूँ मैं तिवारी जी, अब विभू छेड़छाड़ की स्थिति में नहीं है, वो नहीं कंटिन्यू कर पाएगा। भाभी जी, लेकिन छेड़छाड़ करना तो बहुत जरूरी है। तिवारी जी आप क्या चाहते हैं, कि विभू की इससे भी ज्यादा बदतर हालत हो जाए?
वो लोगों की नजर में आ गया है, लोग उसको पकड़ के मार रहे हैं। दियो नाई, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। अंगूरी जी, लेकिन अब वो आपको छेड़ेगा ना तो उसके साथ यही हादसा होने वाला है, लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। बहुरिया, दिया अम्मा जी, अपना नाम करे अम्मा जी। खुश रहो। नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते गोरी बिटिया, तुम भी हो। वाह। हम भी अम्मा प्रणाम कर रहे हैं। हाँ ठीक है। और सब कैसा चल रहा है, छेड़छाड़ ठीक है ना? नहीं अम्मा जी, अनीता जी यही बोलने आई है, भरभूति जी का हालत बहुत बहुत खराब है, वो अब हमको नहीं छेड़ पाएंगे। अरे का है गोरी बिटिया? आंटी जी मैंने इन लोगों को बताया कि कुछ औरतों ने ना विभू को पकड़ के इतना टॉर्चर किया कि वो अब छेड़छाड़ की स्थिति में है नहीं, इसलिए I'm really sorry। अरे बस आखिरी बार आंटी जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अब ना लोग उसके पीछे पड़ गए, इसके बाद उसने एक बार भी छेड़ा ना तो लोग उसकी पकड़ के बैंड बजा देंगे, इसके बाद तो वो सीधा ICU में ही मिलेगा। हाँ तो ठीक है, इबार नल्ले को नहीं छेड़ना है, इबार हमारी बहुरिया छेड़ेगी उका। है? है दिया का? अब हमको जाकर छेड़ना है। हाँ बहुरिया, देखो ये बस आखिरी बार है और आखिरी बार में तुम्हें कुछ छेड़ना है। आंटी जी अब अगर तरबूज चाकू पे गिरे या चाकू तरबूज पे गिरे, कटना तो तरबूज को ही है ना। तरबूज खाएंगी? नहीं अंगूरी जी, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बस आपको कि अब आप अगर विभू को छेड़े या विभू आपको छेड़े, लोगों को तो यही लगेगा ना कि विभू ने छेड़ा है, लोग तो उसी को पकड़ के मारेंगे, इसलिए सॉरी ये नहीं हो पाएगा। भाभी जी हम आपको पर मिनट 5,000 देंगे। तिवारी जी नहीं हो पाएगा, आप मुझे पैसे से खरीदना चाहते हैं। 10,000? तिवारी जी आपका दिमाग फिर गया है क्या, मैं आपको इतनी लालची लगती हूँ? 15,000? तिवारी जी आप इतना पीछे पड़े हुए हैं, मैं आपका दिल भी नहीं तोड़ना चाहती हूँ। 20,000? अंगूरी जी विभू घर में अकेला है, प्लीज जाइए आप। हाँ बहुरिया जाओ जाओ, जाके छेड़ दो। हाँ और सुनो, एकदम तबीयत से छेड़ना, कोई कोताही मत बरतना। ठीक बा अम्मा जी, जैसा आपका आज्ञा। तिवारी जी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं यार भाभी जी को छेड़ने में मजा तो बड़ा आ रहा है यार, लेकिन यू नो भाभी जी को छेड़ना जरा महंगा पड़ रहा है। नहीं भाभी जी तो बहुत कोऑपरेट कर रही है, वो तो बड़ा एंजॉय कर रही हैं, लेकिन क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं यार। जब भी मैं भाभी जी को छेड़ने जाता हूँ तो कोई ना कोई उंगली करने चला आता है, अभी लेटेस्ट वो 4 औरतों ने मिलकर मेरा बैंड बजा दिया यार। भरभूति जी अभी आपका बैंड बजा कहाँ है? अभी तो आपका बैंड बा हम बजाने वाले हैं देवर जी। भाभी जी का ही भाभी जी, भाभी जी हाँ भाऊजी कहिए ना।